सबका अपना अपना स्टाइल होता है वैसे बिरयानी बनाने का। हाँ मेरा तो भाई अभी से मुँह में पानी आ रहा है देख के। तो भाई बिरयानी हमारी आ चुकी है और अब इसको शुरू करते हैं। चलो भाई बताओ अशर कैसी है? अभी खाई गए वो जा रहा है, वो देखो जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज जो है जुम्मा और मैं तो नमाज पढ़ के रेडी हो गया, नमाज पढ़ के आ चुका हूँ। और आपकी भाभी जो है वो अभी तैयारी कर रही है नमाज की, तो नमाज वगैरह पढ़नी। तो भाई आज जो है जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई बिरयानी बनाओ, भाभी को बोलो बिरयानी बनाओ बिरयानी बनाओ, तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी और उसकी पूरी रेसिपी आपको दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे आपकी भाभी भी नमाज जो है पढ़ चुकी है और अब बस तैयारी करनी है, शुरू करना फटाफट। मम्मा भी वहाँ पे नमाज पढ़ रही है। अच्छा भाई नमाज वगैरह सब हो चुकी है, मम्मा जो है तैयारी कर रही है, सामान वगैरह लेने गई है बिरयानी का। और यहाँ पे भूत दिख गया हमें सुबह सुबह, अमान भी नाराज हो गई है ये हमारे से। तोलिया ओलिया यहाँ क्यों फेंका हुआ है? शक्ल तो दिखाओ। नहीं डरेगी ऑडियंस भाई, नहीं डरेगी। घूंघट उठा। चलो आपको गोली मारता हूँ यहाँ से, सही है? कुछ अच्छा कट कट ठस, कुछ अच्छी चीज बता दो अमान, किसी काम आ जाओ मेरे। आलू मिलते हैं यहाँ पे, आलू के अलावा कोई जिंदगी में और कोई बात है? समोसा, कीमे वाला, आलू वाला, रोल, पराठे, शौरमा, बर्गर, जिंगर, फ्राइज। निकल के आगे कुछ बताओ। अभी बिरयानी बना रही है, वो कौन खाएगा? मैं कह रही हूँ अशर हर जुम्मे एक ही शलवार कमीज पहनता है, पर्पल कुर्ता, व्हाइट शलवार को कुछ कहता नहीं है। एक इसके बाद ब्लैक है और एक इसके बाद पर्पल है। एक जुम्मा पर्पल पहनता है, एक जुम्मा ब्लैक पहनता है, और जिंदगी में इसके बाद काम ही नहीं है। तो भाई गोलगप्पे वाला आ चुका है, नीचे से आवाज आ रही है गोलगप्पे वाला। वो जा रहा है, वो देखो जा रहा है। चुप कर, मुंह बंद। जाओ जाओ ले जाओ, जाओ गोलगप्पे। जा रहा है यार वो, चले भी गया। गोलगप्पे हमारे आ चुके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर ले आओ ले आओ। गोलगप्पे आ गए, तो बस मेरे लिए आएंगे, मैं खाऊंगा। हाँ आपके पास एक पर्पल एक ब्लैक, वो एक ब्लैक भी कभी कभी ये पहन लेते हैं। चुप कर बे कुत्ते। चलो एक ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। A few moments later. चलो उठ जाओ यार, उठ जाओ, बिरयानी बनानी है, उठ जाओ। ये नींद इतनी आ रही है आपको, उठ जाओ। 10 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, बस उठो। हाँ तो भाई यहाँ पे अशर ने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी है। तो भाई अपनी बिरयानी बना रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे चावल निकल रहे हैं। और हाँ तो भाई अभी कशान मिर्ची की डंडी तोड़ना है ना, ये इसको यूं करके तोड़ना है। और खा के दिखाओ निकल। हाँ तो भाई यहाँ पे मिर्ची, अदरक, लहसुन ये जो है अभी कट रही है, इसके बाद प्याज कटेगी। हाँ तो भाई लाइट आ नहीं रही है और ब्लेंडर चल नहीं रहा, तो हम इसमें पीसना दिखाएं। जल्दी पीसो जल्दी। अभी ये सब भी पीसना है और ये भी पीसना है। ये पिस चुका है और अब इसको प्लेट में हम निकाल रहे हैं। ये भाई मेरे हाथ से पीसा है क्योंकि आपको पता है मेरे हाथ से। चम्मच खा के दिखाओ। आप खा लो ये। नहीं नहीं नहीं, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा ये उसको खिलाऊंगा। तो अभी गाइस प्याज हमारी आ चुकी है, अदरक लहसुन मिर्ची वगैरह हैं, और ये गरम मसाला कुछ जीरा है साथ में। बाकी जो है अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चावल भी हमने रख दिए। तो यहाँ पे ये आलू कट रहा है। आलू कौन डालता है भाई चिकन बिरयानी में? मैं। ये आलू किस लिए काट रही हो ये बताओ। तो भाई पप्पा भी उठ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे आलू छीले जा रहे हैं। आलू वाली बिरयानी खाओगे? मैंने इसको बोला तुम्हारे पास 2 ही शलवार कमीज है, एक पर्पल और ब्लैक। तुम एक जुम्मा पर्पल पहन के जाते हो, दूसरा जुम्मा ब्लैक पहन के जाते हो, तो कुछ कहता नहीं कहना नहीं। अगर आलू यहाँ कट चुके हैं और ये चिकन जो है अभी धुल रही है यहाँ पे। हाँ तो भाई यहाँ पर चेंज हो गया है। आपको मुर्गी धोने आती है? मैं क्या मुश्किल है इतना, मुश्किल क्या है? बदबू आ रही है यार। यही खाओगी बेटा आप? मैं मुर्गी नहीं खाऊंगी, मैं आलू खाऊंगी। इसने मेरे 3 आलू चोरी करे, 2 मेरे आलू। आलू चोरी कर लिए कशान, उसने हमारे 3 आलू चोरी करे हमारे। अशर ने 3 आलू। आलू तो एक मुझे भी खिलाओ। बासी चीजें खा रहे हो, पेट में दर्द होगा। बच्चे का आलू चोरी करके खा रहे हो, शर्म करो शर्म। इसने तो आप तो खाओ, एक खा के दिखाओ कैसा लग रहा है आपको। मुँह देखना है मुझे आपका। एक मैं भी खा के दिखाऊँ कैसा मुँह है। ये देखो मुँह देखो मेरा भाई, नहीं करो यार, मेरा आलू नहीं खाओ। अब खराब करो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे घर में जिम खुल गया है भाई। क्या कर रहे हो ये? लगा के दिखाओ। हाँ लाओ, हटो हटो, मैं लगा के दिखाऊं। हाँ भाई पकड़ लो अमर, पकड़ लो। कम है वजन। हाँ तो भाई चाय आ चुकी है हमारी बिरयानी से। पहले बिरयानी में अभी टाइम लगेगा। A few moments later। अच्छा भाई पहले इसमें जो है कुकिंग ऑयल जो है जा रहा है। ये हैदराबादी बिरयानी भाई, हैदराबादी पुलाव बना लो। मम्मा ने सिखाई है। आप लोग बोलते ना मम्मा को व्लॉग में भी लेंगे, तो मम्मा बता रही है यहाँ से ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, सिखा रही है और सिखा रही है कैसे बनानी है। देखो ऐसी सास किसी को मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी, सब जल जल के राख हो जाएंगे। ये मम्मा ने बोला ये गरम मसाला है और ये जीरा है, ये गरम होगा फिर ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्याज डालेंगे, सोटे करेंगे, सोटे करेंगे। तो भाई इसमें जो है जा रहा है गरम मसाला और जीरा। ये मेरा हाथ से चले गया। रेस्टोरेंट खोलो आप, वैसे भी आपको सब बोलते फारिक है ये। हाँ तो भाई प्याज भी इसमें चलेगा ही है। अब इसके बाद ये अदरक लहसुन और मिर्चें इसमें जाएंगी। आपको पूरी रेसिपी बताएंगे किस तरह आज हम बिरयानी बना रहे हैं। मम्मा ने जो है मम्मा की मतलब जिस तरह मम्मा बनाती हैं पुलाव के ना, पुश्तों से अम्मी पुश्ते चलती आ रही है बिरयानी की। हाँ वही वाली बिरयानी बन रही है आज। बहुत सारी बिरयानियाँ होती है, दम वाली होती है, दूसरी होती है हैदराबादी बिरयानी। हैदराबाद वाले आएंगे बोलेंगे हमें भी दो खाना। इसमें टमाटर अभी इस स्टेज पे नहीं डलते हैं, अच्छा। सबसे एंड में डलेंगे कट के, वो भी अच्छा। ये हैदराबादी का स्टाइल है। टमाटर नहीं डलते भाई इसमें। अच्छा भाई हमारे एक सब्सक्राइबर है, उसने बोला था मेरा नाम लेना नेक्स्ट व्लॉग में अपने हिबा खान। भाई बहुत से लोग नाम याद नहीं रहता, कौन कौन हमें बोलता है नाम लो नाम लो। थैंक यू भाई, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, हमारा व्लॉग देखते हो, उसके लिए। और जो है आपको इसी तरह व्लॉग हम देते रहेंगे, बस सपोर्ट करो भाई को। और नेक्स्ट कोई खाने की बात नहीं। यहाँ से जंप मार के दिखाओ आप, मारो यहाँ से नीचे जंप मारो, मारो देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है। अच्छा छोड़ो, मारो नहीं तो ये चम्मच खा के दिखाओ। एक चम्मच ये खा के दिखाओ, 50,000 रुपये इनाम। खा लो, खाओ। नहीं भाई मैं खा के, कोई नहीं मैं तो नहीं खा रहा। अच्छा भाई अब इसमें जा रही है चिकन। कौन सी क्या मतलब कौन सी? देसी मुर्गी, मुर्गा है मुर्गी बताओ। ये अमान है, ये मुर्गा है, मुर्गी नहीं है मुर्गा है ये। हाँ तो भाई 1.25 किलो हमारी चिकन है, और इसके अलावा हमारे क्या कहते हैं 1 किलो चावल में मतलब 1.25 किलो चिकन डाल दीजिए। और इसके अलावा ये 2-3 आलू के 3-4 पीस जो है इन्होंने आलू वो डाल दिए, क्योंकि ये आलू बहुत शौक से खाते हैं। और सिर्फ 3 प्याज थे जिसमें हमने इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा ना ब्राउन करके उसमें चिकन डाली है, थोड़ा सा उसमें जर्दे का रंग डाल दिया है और थोड़ा सा ही मतलब चौथाई इतना सा इसमें नमक डाल देंगे हम थोड़ा सा, ताकि ये बॉयल हो जाए। हाफ बॉयल करेंगे, फुल बॉयल नहीं करेंगे। और बाकी दम में ये थोड़े से वो हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2 चम्मच भाई इसमें कुटी हुई मिर्ची जा रही है, और 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये बहुत टेस्ट है, इसमें बहुत टेस्ट होता है, आप लोग भी डाला करें अपने। इसमें जा रहे हैं सबका अपना अपना स्टाइल होता है वैसे बिरयानी बनाने का। हाँ तो 1 चम्मच भाई नमक जा रहा है इसमें। बिरयानी मसाला डाल रहे हैं आप, शान का भी डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, हमारा हैदराबादी है। मेरा तो भाई अभी से मुँह में पानी आ रहा है देख के। कढ़ाई लग रही है तो मुझे बिरयानी नहीं, पानी जा रहा है थोड़ा सा। पहले कढ़ाई बनती है तो बिरयानी बनेगी ना। हाँ ये भी बात सही है। तो भाई ये सारा जो है ना सब कुछ मम्मा बता रही है पीछे से, ये डालो इतना, ये ऐसे डालो, ये वैसे डालो। ये मम्मा की जो आज की रेसिपी जो है मम्मा की है हमारी, लेकिन बना रही है इनके हाथ से बन रही है। तो टेस्ट देखते हैं मम्मा ये आता या नहीं आता, खा के बताएंगे। वैसे एक बात बोलूं मम्मा जैसा नहीं आएगा, अब वो खा के पता चलेगा ना टेस्ट होता है। अच्छा भाई यहाँ पे टमाटर जो है कट रहे हैं, मम्मा यहाँ पे टमाटर जो है वो काट रही है। मुझे ना मम्मा को देख के ना वो गाले आ जाए, सास भी कभी बहू भी। तो ये 0.5 किलो हमारे इसमें टमाटर जा रहे हैं। इस स्टेज पे हमारे टमाटर जाते हैं, ठीक है, लोग पहले ही डाल लेते हैं मगर हम लोग इस स्टेज पे डालते हैं। तो भाई ये तकरीबन 0.5 किलो से थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, 0.5 किलो से थोड़े कम है ना, 0.5 किलो तो थोड़े कम है, 400 ग्राम होंगे। तो भाई ये पुदीना और धनिया जो है ये इसमें अब डलेगा, अभी से डलेगा ये। हाँ बस ये डाल दो, चावल डाल दो। अभी इसको धो लेगा, धो लो पहले इसको, इसमें बहुत मिट्टी होती है, इसको 2-3 बार धो ले हम लोग, फिर आपको दिखाते हैं। और इसमें चावल भी डाल देंगे। तो भाई इसमें अभी ये क्या है अजीनोमोटो, ये 1 चम्मच अजीनोमोटो। कौन सा पेपर बोलते हैं इसको? चाइनीज सॉल्ट भाई, ये जो 2 चम्मच चाइनीज सॉल्ट इसमें गया है। तो ये पानी तो निकालो इसका। पानी साफ है भाई, 4 से 5 बार पानी निकाल चुके हैं इसके अंदर। पानी भी जाएंगे। हाँ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह भाई, अभी से मुँह में पानी आ रहा है मेरा। अच्छा भाई, अब मैं बनाने वाला हूँ सलाद, क्योंकि वहाँ पे बिरयानी जो है तैयार होने वाली है। तो सलाद ले लिया था, तो ये हमारे पास खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह। प्याज तो गोल नहीं काटा। अच्छा भाई, ये सलाद जो है मैंने तैयार कर लिया है और रायता भी जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे पता नहीं ये मीटिंगें चल रही हैं इन लोगों की। तो भाई ये आलू भी इसमें चले गए। तैयार हो गई बिरयानी, ऑलमोस्ट हो गई। दम लगाना है। ये हैदराबादी पुलाव है एक टाइप का। हाँ तो भाई ये हमारी तैयार हो चुकी है बिरयानी, हैदराबादी पुलाव बिरयानी, पता नहीं क्या है, मेरा समझ नहीं आ रहा। तो भाई बिरयानी हमारी आ चुकी है और अब इसको शुरू करते हैं। चलो भाई बताओ अशर कैसी है? अभी खाई तो भाई पहला बाइट जो है मैं लेके आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी बनी है। मम्मा वाला टेस्ट है या नहीं? मजेदार। कैसी लगी आपको बिरयानी? अच्छी थी। हाँ भाई पप्पा, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। अमान मुँह से भी कुछ बोल लो। मिर्ची तेज है। नींद आ रही है यार बिरयानी खा के मुझे। और भाई बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की बिरयानी बनी थी। बस अब और जो है आपको भी खाने के बाद जो है ना वो नींद आ रही है। हाँ तो भाई बिरयानी वगैरह खा के पेट फुल हो गया अपना। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी अम्मी आपकी भाभी ने जो है बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़ा आया। और जो है थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह बस प्यार देते रहो भाई, मैं इसी तरह आप लोगों को ब्लॉग देता रहूँगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको आगे देता रहूँगा इंशाल्लाह कंटिन्यू। और इस ब्लॉग का बस करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।